Hello and welcome to the lecture series on Introduction to Microprocessor. हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें माइक्रोप्रोसेसर की ज़रूरत क्या है. माइक्रोप्रोसेसर जहाँ लगेगा वो उस सिस्टम को ऑटोमेट करेगा. तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वाटर पंपिंग सिस्टम का, जो आम तौर पे घर में पाया जाता है. वाटर पंपिंग सिस्टम एक वाटर सप्लाई से कनेक्टेड होगा और आगे एक टैंक से कनेक्टेड होगा जहाँ पर पानी भरा जाएगा. लेकिन इस सिस्टम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि हम टैंक में कितना पानी भरा है उसको हम कैसे भी चेक नहीं कर सकते. तो हम एक अंदाजे से कि हाँ 20 मिनट में हमारी टंकी फुल हो जाती है, उस हिसाब से हम अपने पंपिंग सिस्टम के स्विच को ऑफ कर देते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पंप को स्विच ऑफ करना ही भूल जाते हैं, तो टैंक से पानी का ओवरफ्लो होता रहता है और हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं. पर अगर इसी सिस्टम में हम पंपिंग सिस्टम के साथ एक कंट्रोलर लगा दें और टैंक में एक लेवल सेंसर को फिट कर दें, लेवल सेंसर हमेशा कंट्रोलर को एक फीडबैक देता रहेगा जिससे कंट्रोलर को ये पता रहेगा कि टंकी में पानी कितना भरा है. और जैसे ही हमारी टंकी पानी से फुल हो जाएगी वो एक फीडबैक, एक सिग्नल देगा कंट्रोलर को, जिसकी वजह से पंपिंग सिस्टम हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा. तो इस तरीके से हम अपना पानी का वेस्टेज, वाटर वेस्टेज को बचा सकते हैं. किसी भी सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए हम एक कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं जो उसका ब्रेन यानी कि दिमाग कहलाया जाता है. ये कंट्रोलर कुछ सेंसर्स, कुछ डिस्प्ले डिवाइस या LEDs के साथ इंटरफेस किया जाता है. और इस कंट्रोलर को काम कराने के लिए हम इसके अंदर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में डालते हैं. अगर हम अपने किसी सिस्टम को रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इस कंट्रोलर में वाईफाई की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. पर एक डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सबसे मेन कंपोनेंट है, इस CPU को माइक्रोप्रोसेसर भी बुलाया जाता है. फिर इस डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी होगी, कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, एक क्लॉक जनरेटर होगा और इंटरनल बस सिस्टम होगा. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर की चिप में हमें एक ALU मिलेगा जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बुलाते हैं, एक रजिस्टर एरे मिलेगा जिसमें हम अपना टेम्परेरी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और एक कंट्रोल सिस्टम मिलेगा जो सारे सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट जो है वो प्रोग्राम को फेच करेगा मेमोरी से, फिर उसको डिकोड करेगा मशीन लैंग्वेज में यानी कि जीरोज और वन की लैंग्वेज में, और फिर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा. इस माइक्रोप्रोसेसर चिप से बाहर एक मेमोरी इंटरफेस होगी. मेमोरी के दो पार्ट्स होंगे, रैम और रोम. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी मेन मेमोरी होती है जिसमें हम अपना सारा डेटा फीड करके रखते हैं. इसको आमतौर पे रीड राइट मेमोरी भी बुलाया जाता है. दूसरा पार्ट है हमारा रोम, विच इज़ रीड ओनली मेमोरी. इसको सेकेंडरी मेमोरी बुलाया जाता है. इसके अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम, जिस वजह से हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, वो सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर रिकॉर्डेड होते हैं पहले से. और इसको हम आमतौर पे हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD भी बुलाते हैं. फिर इस माइक्रोप्रोसेसर चिप से बाहर हमें कुछ इनपुट और आउटपुट देने होते हैं. इनपुट माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच पैड या कोई भी पेन बेस्ड सिस्टम हो सकता है. और आउटपुट हमारा डिस्प्ले मॉनिटर, LED, बजर या प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर्स, ये सब होते हैं. ये सारे की सारी फंक्शनिंग माइक्रोप्रोसेसर की इंटरनल बस के थ्रू हम मेंटेन कर पाते हैं. अब ये बस सिस्टम क्या है? बस एक वायर, एक ग्रुप है वायर्स का. एक बिट का मतलब है एक वायर. तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर 8 बिट्स का है, तो यानी कि 8 वायर्स हमारी एक साथ काम करती हैं.
बस सिस्टम को जानने के लिए हमें ये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है बिट साइज, मतलब हमारा माइक्रोप्रोसेसर एक साथ कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। फिर एक निबल में होते हैं 4 बिट्स और एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर एक बार में 16 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, तो अगर हम उसे नंबर देते हैं 32 बिट्स का, यानी कि उसका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसको काम दे दिया है। अब ये पूरा का पूरा बस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। हमारी पूरी सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए कंट्रोल बस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हर कंपोनेंट की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। कहाँ से कौन सा डेटा ट्रैवल कराना है, ये सारा काम हमारा कंट्रोल बस का होता है। फिर हमारी होती है एड्रेस बस। एड्रेस बस एक यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिग्नल सिर्फ एक ही तरफ जाते हैं। जब भी हमें मेमोरी लोकेशन से किसी डेटा या प्रोग्राम की एड्रेस को लोकेट करना होता है तो एड्रेस बस हमारी एक्टिव हो जाती है। तीसरा है हमारा डेटा बस। डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल है क्योंकि अगर हम कंप्यूटर में रीड या राइट दोनों ही ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं तो हमारी डेटा बस को दोनों तरफ सिग्नल्स भेजने पड़ेंगे, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस कहलाई जाती है। ये पूरे सिस्टम को फंक्शन कराने के लिए, सारे फंक्शंस हमारे सिंक्रोनस मोड में हो, उसके लिए क्लॉक जनरेटर यूज़ होता है। क्लॉक जनरेटर एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जो कि सारे एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो ये क्लॉक जनरेटर बाहर भी डिवाइसेस को, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी पल्सेस दे सकता है। इस पूरे सिस्टम को समराइज करने के लिए ये समझते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर वर्क कैसे करता है। माइक्रोप्रोसेसर के चिप में ही कंट्रोल यूनिट और इंस्ट्रक्शन डिकोडर होते हैं, जो अभी हमने देखा कि कंट्रोल यूनिट सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उन लैंग्वेजेस, उस प्रोग्राम में जो भी मैनिपुलेशन होनी है वो ALU करता है और रजिस्टर्स जो हैं वो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इस चिप से बाहर होती है मेन मेमोरी जो कि प्राइमरी स्टोरेज के नाम से कहलाई जाती है, और इसके साथ हम कैसे भी इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि CD ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोप्रोसेसर चूज करने से पहले ये 3 पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन सेट। हर माइक्रोप्रोसेसर का अपना एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है। जितना बड़ा आपको इंस्ट्रक्शन सेट मिलेगा उतनी फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग आप उसमें कर सकते हैं। बैंडविड्थ, एक साथ कितने बिट्स को माइक्रोप्रोसेसर फंक्शन कर सकता है उसको बुलाते हैं बैंडविड्थ। और क्लॉक स्पीड, कि कितना फास्ट हमारा माइक्रोप्रोसेसर वर्क कर सकता है। तो जर्नली क्लॉक स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में बताई जाती है। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, और इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को समझते हैं। माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम, अभी हमने देखा कि इसके साथ रैम, रोम, आईओ पोर्ट, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, ये सारे के सारे चीज़ें, सारे के सारे कंपोनेंट्स माइक्रोप्रोसेसर के साथ इंटरफेस्ड हैं वाया डेटा बस एंड एड्रेस बस। तो जब भी हम इस माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमें माइक्रोप्रोसेसर चिप के बाहर से अटैच करनी पड़ेंगी, इंटरफेस करनी पड़ेंगी। लेकिन माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम के पास CPU, RAM, ROM, IO पोर्ट, टाइमर, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट, ये सारे कंपोनेंट्स एक ही सिंगल चिप के अंदर होते हैं, यानी कि माइक्रोकंट्रोलर की IC के अंदर आपको ये 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे। यानी कि जब आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कोई ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, तो माइक्रोकंट्रोलर कम स्पेस लेता है माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम के मुकाबले। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट प्रिंसटन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अगर आपकी कोई
प्रॉब्लम्स हैं या आपको कोई डाउट क्लियर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।